सर, कैसे हो आप सब? तो आज हम करेंगे आप लोगों के लिए अगस्त रीडिंग. देखते हैं क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए, जनरल मैसेज होगा. सो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करना ज़रूर ज़रूरी है. एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हो व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम या ईमेल पे, और स्पेल्स के लिए भी और वर्कशॉप डिटेल्स के लिए भी, और जो कि अगस्त में होने वाली है. और अगर आप क्रिस्टल्स खरीदना चाहते हो मुझसे, जो कि प्योर और हाई क्वालिटी क्रिस्टल्स, एनर्जाइज क्रिस्टल्स हैं, लिमिटेड स्टॉक में हैं, तो रीच आउट करें और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिए फ्री प्रेडिक्शंस देखने के लिए, अपडेट्स के लिए, फीडबैक्स के लिए. नाउ लेट अस सी, ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, सो देखते हैं क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए है. सन मून राइजिंग और वीनस साइंस इन कैंसर और क्रॉस वॉचर्स, देखते हैं अगस्त मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है. Alright, Four of Pentacles, ooh, Three of Swords, the Knight of Wands. Energy थोड़ी सी down है आपकी, Cancer. किसी को miss कर रहे हो लेकिन उनसे बात नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने आपको hurt किया, और आप शायद move on करने की कोशिश कर रहे हो, पर ये person जो है बार बार आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं. आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, सेपरेशन हुआ है किसी के साथ, ये पर्सन आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये भी हर्ट है, और आप इनको अवॉइड कर रहे हो क्योंकि आप अपनी एनर्जी फिर से इन पे नहीं लगाना चाहते. हो सकता है आपने काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं. यहाँ पे ये भी है कि कोई बात है जो आप इनसे छुपा रहे हो, आप इनसे नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हो, ठीक है. दूसरी चीज़ मुझे ये लग रही है कैंसर के, आपका मेजर फोकस अपने मनी पे, अपने काम, अपने करियर पे रखना चाह रहे हो क्योंकि इनकी वजह से आप अपने करियर पे फोकस नहीं रख पाओगे, तो इस चीज़ का डर है आपको, इसलिए आप इनको अवॉइड कर रहे हो, ठीक है. तो हो सकता है कि आपने इनसे सेपरेशन कर लिया और आपने फाइनल डिसीजन ले लिया और आप इनसे वापस बात करके अपने आप को चेंज नहीं करोगे, ये आपने सोच लिया. आप बहुत ही हर्ट हो तो आपको हीलिंग के लिए टाइम चाहिए, तो आपको न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो आप वैसे, तो हीलिंग हो रही है आपकी. बट ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहे हैं, एरिस सजिटेरियस लियो हो सकते हैं, जो कि आपसे बात करने की, एक बार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं आपको, वापस से पैच अप करना चाह रहे हैं, ठीक है. तो हो सकता है कि आपको रेकन्सिलेशन के लिए रिक्वेस्ट करें, पर्सन आपके पास वापस आए, तो दैट इज समथिंग यू विल बी थिंकिंग अबाउट. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अब आपको गुस्सा चढ़ गया, आप इनको इतनी इजीली नहीं लेने वाले. मुझे लग रहा है कि आपको इतना हेट फीलिंग हो गई है इनकी तरफ, जो इन्होंने किया आपके साथ या कुछ भी हुआ है आप दोनों का, आपको एक गुस्सा सा है अपने अंदर इनके अगेंस्ट, और आप इनसे बात नहीं करना चाह रहे हो, अवॉइड करना चाह रहे हो, ठीक है. या फिर अगर आप इनसे बात करते हो तो आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, तो एक तरह से आपकी फीलिंग्स जो है वो ख़त्म होती जा रही है इनके लिए. सो हो सकता है आप काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाओ, आप काफ़ी कोल्ड हो जाओ इनकी तरफ, और हो सकता है आप इन पे गुस्सा करो, आप इनसे लड़ पड़ो क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो कि आपको, जिसकी आपको क्लैरिफिकेशन नहीं मिली आज तक, ठीक है. यहाँ पे हो सकता है कि आप इन पर्सन को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है जो कि क्लियर हो जाए, टाइम लगेगा, बट ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, आपको बताते नहीं हैं, या फिर इनका तरीका एक्सप्रेस करने का बिल्कुल ही ऑपोजिट है जिसकी वजह से आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आप इनसे बात नहीं करते. ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, हर्ट हो रहे हैं, ठीक है. डेफिनेटली मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, इनकी फीलिंग्स आपके लिए काफ़ी स्ट्रांग है. स्कॉर्पियो पाइसिस कैंसर, आप इनसे स्पेस मांगने वाले हो कैंसर. हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी दूर रहे आपसे, 3 महीने के लिए दूर रहे, काफ़ी टाइम के लिए दूर रहे, काम को लेकर दूर रहे, काफ़ी बिजी रह सकते हैं, उसकी वजह से आपको इन पे गुस्सा है, या फिर इनका जो पैशन है इतना ज़्यादा अपने काम को लेकर कि आप इनसे फ्रस्ट्रेट हो गए हो. बट मुझे ये लग रहा है कि आप स्पेस मांग रहे हो उनसे, जितना आप स्पेस मांग रहे हो उतना ही ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, उतना ही ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं. दूसरी चीज़ मुझे ये लग रही है कि आप करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फार साइटेड हो गए हो, आप बहुत आगे जाना चाहते हो, आपके प्लान्स हैं प्रॉपर, आपको पता है आपको क्या करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है ताकि अपने करियर पे फोकस कर पाओ, आपको ग्रो करना है, आपको बहुत आगे जाना है, आपका ये मन है, आपके माइंड में ये चीज़ चल रही है. कुछ लोग यहाँ पे एक्वेरियस है,
रिलेशनशिप में हो सकते हो या ब्रेकअप हुआ है एक्वेरियस के साथ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपका पैशन अपनी अपनी केयर पे है, आप अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। बहुत इमोशनल हो सकते हैं पर्सन, यस, आप अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाह रहे हो, अपने लिए चीज़ें करना चाह रहे हो, बहुत हो गया आपने इनके लिए बहुत कुछ किया, अब आप अपने लिए करना चाह रहे हो। लेकिन ट्रूली आपके जो पर्सन है, शायद उन्होंने पहले गलतियाँ की हो, बट अब इनको रियलाइजेशन है कि आप ही इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो और कुछ नहीं, ठीक है। तो जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये हो सकता है कि इस टाइम में आपको क्लियर हो जाए, बिकॉज ये पर्सन आपको बताने वाले हैं कि क्या फील करते हैं आपके लिए। आप कन्फ्यूज्ड हो इनको लेके, आपको समझ नहीं आ रहा कि इनके एक्शंस क्या करना चाह रहे हैं। एक टाइम पे ये आपसे बात करते हैं, ठीक है, आपको अच्छा लगता है, फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं, ठीक है, फिर जब आप इनसे नाराज़ होते हो तो आप वापस आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो, कुछ लोग ये इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ है कि आप इनके लिए फीलिंग्स रखते भी हो या फिर आपको मूव ऑन करना है, आप ये नहीं समझ आ रहा आपको, ठीक है। ऐसा कुछ हो रहा है आप लोगों के साथ। कैंसर, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप ना सब कुछ भुला के अपने करियर पे फोकस करना चाह रहे हो, अपने गोल पे फोकस करना चाह रहे हो, अपनी हेल्थ पे फोकस करना चाह रहे हो। आप इन पर्सन को लेके कंफ्यूज हो, किसी भी रीज़न से कंफ्यूज ज़रूर हो, को समझ नहीं आ रहा आप क्या चाह रहे हो इनसे। मुझे लगता है कि आप इनसे वॉक अवे करने की सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि आपको शायद कोई और मिले हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन को, जब आपको ये पर्सन चाहिए तब ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्यों इस कनेक्शन में रहूँ, इस पर मैं क्यों मानूँ इस बात को। तो मुझे लग रहा है शायद आप वॉक अवे करने वाले हो, आप अवॉइड करने वाले हो उनको, आपका मन भर गया है या फिर इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है रिलोकेट करें, कहीं और जाएं, ये भी हो सकता है, या फिर आपकी फैमिली ने मना कर दिया है पर्सन के साथ रिलेशन रखने का, क्योंकि हो सकता है एक बंदा मुस्लिम है, दूसरा बंदा हिंदू है, या फिर कोई और रिलीजन हो सकते हैं, दो डिफरेंट रिलीजन हो सकते हैं, आप चाह के भी इनके साथ नहीं रह सकते हो। कुछ रीज़न तो है, वो आपको ज़्यादा पता है कैंसर, बट आई फील लाइक कि आप मिस करोगे इनको, बट आपको वॉक अवे करना ही ज़्यादा बेटर आइडिया लग रहा है। सो हो सकता है कि आप इनसे वॉक अवे करो, इनसे बात ना करो, अवॉइड करो इनको, जिस वजह से ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है कैंसर के इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला पास्ट में, या फिर आपके पीछे से किसी और से बात की और आपने उनको देख लिया, उस चीज़ का गुस्सा है आपके अंदर, तो अब आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे या तो आपकी लाइफ में कोई नए पर्सन आ गया, या फिर आपने इनको किसी और पर्सन के साथ देखा है। ईदर ऑफ द टू आई एम सीइंग कि आप मूव ऑन करना चाह रहे हो इनसे, ठीक है। आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक नए पर्सन आ रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर आ रही है, पर ये फ्रेंडशिप से शुरू होगी। आप दोनों पहले दोस्त बनोगे, आप हो सकता है किसी फ्रेंड के थ्रू मिलो, या फिर किसी फ्रेंड, आपके किसी फ्रेंड के ब्रदर या सिस्टर हो सकते हैं। इस तरह से आपका कोई कनेक्शन बनेगा, एक सर्कल में आप आओगे, और वहाँ से आप दोनों के बीच में एक मेंटल कंपैटिबिलिटी, कमिटमेंट शुरू होने लगेगा। तो हो सकता है कि एक नया लव ऑफर आपको आएगा, ठीक है, पर यहाँ पे फिर भी एक चांस आप दोगे, इन पर्सन की बात सुनोगे और डिसाइड करोगे। हो सकता है आप इन पर्सन को चूज़ करो, कुछ लोग हो सकता है कि नए पर्सन को चूज़ करें, तो 50-50 चांस मुझे लग रहा है कि या तो आप इन पर्सन को चूज़ करोगे या उन पर्सन, बट आपने सोच के पक्के हो गए कि भाई अगर मैंने डिसाइड कर लिया तो मतलब ये फाइनल है, चाहे ये पर्सन आपके लिए रोए, जो मर्जी करे। वंस यू डिसाइडेड, एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो बस आपके पास अभी पावर है डिसाइड करने की कि आप क्या चाह रहे हो इन पर्सन से, अपनी लाइफ से। तो हो सकता है कि आप डिसीजन लेने वाले हो दो लोगों के बीच में, ठीक है। सो दैट इज़ अबाउट इट कैंसर। अगस्त मंथ आपके लिए ऐसा रहेगा, दो लव ऑफर्स आने वाले हैं आप लोगों की लाइफ में, एंड दोनों के बीच में एक से वॉक अवे करने वाले हो सकता है, जिनसे आप अब बात नहीं कर रहे हो उनसे वॉक अवे करोगे, बट डेफिनेटली एक नए कनेक्शन बनेंगे, नया इन्वायरमेंट होगा, ग्रोथ होगी, खुले मन से आप रिलेशंस बनाओगे, इन्जॉय करने वाले हो आप इस पूरे मंथ को, बट आप पास्ट में नहीं जाना चाह रहे हो। दैट इज़ अबाउट इट कैंसर। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी, ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें और वापस आइए, और मेन चैनल्स पर भी जाना ज़रूर। आई विल सी यू बैक अगैन, बाय।